I now request Shri Nitin Gadkari ji, Minister for Road Transport and Highways, Government of India, to address the gathering. परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, परमादरणीय राज्यपाल महोदय जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी किशन रेड्डी जी, आदरणीय बंडी संजय जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस नौ साल की विशेषता रही है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। गतिशक्ति योजना के द्वारा अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में प्लानिंग से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक एक कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन भी प्रस्तापित हुआ है। यह हाईवे बनाते समय विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं, जो 500 ब्लॉक्स जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके विकास में ये रोड कैसे उपयोगी होंगे, इसका भी विचार किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि तेलंगाना में अभी तक 1,10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कुछ कंप्लीट हुए, कुछ ऑनगोइंग है, कुछ शुरू हुए हैं। पर विश्वास है मुझे कि 2024 समाप्त होने के पहले हम तेलंगाना में 2,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और तेलंगाना का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बनाएंगे। केवल नेशनल हाईवे का काम हो रहा ऐसा नहीं है, तो नागपुर से विजयवाड़ा जिसमें आज पैकेज का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये 594 किलोमीटर है, इसकी कीमत 16,000 करोड़ है और तेलंगाना में इसकी लेंथ 401 किलोमीटर है। इस हाईवे से स्वाभाविक रूप से काफी बड़े प्रमाण पर यहाँ विकास होगा। विशेष रूप से यह हाईवे महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजर रहा है और 288 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है वो ब्राउन फील्ड है, यानी ग्रीन है, पहले यहाँ रोड नहीं है और इसके कारण हम लोग डिस्टेंस को भी कम करने जा रहे हैं। नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे का 402 किलोमीटर तेलंगाना राज्य से गुजर रहा है और ये महाराष्ट्र के जियोगांव से तेलंगाना राज्य सीमा तक प्रवेश करता है। तेलंगाना राज्य में आसिफाबाद, मंचेरियल, पेदपल्ले, जयशंकर, भूपालपल्ली, हनुमाकोंडा, वारंगल, खम्मम इस जिले से गुजरता है और विजयवाड़ा के पास मिलता है। सिंगरेली थर्मल प्लांट, एनटीपीसी, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, खम्मम, वारंगल उद्योग, धार्मिक और पर्यटन स्थल, इसमें विशेष रूप से इसका उपयोग होने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, लॉजिस्टिक पार्क है, पोर्ट के लिए माल भेजना है, उसके कारण निश्चित रूप से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में भी इससे काफी सुविधा प्राप्त होगी। विशेष रूप से तेलंगाना में हम एक सूरत, नासिक, नगर, सोलापुर, करनाल और हैदराबाद, चेन्नई तक एक नया रोड बना रहे हैं। हम अक्सर भाषण में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहते थे, पर आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में वहां हमारी मनाली जो है, वहां रोहतांग पास पर जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब वहां अटल टनल बनी है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, केवल 8 मिनट में सफर हो जाती है और उस टनल से बहार आने के बाद हम करीब 5 टनल बना रहे हैं और हिमालय के बीच में से नया रोड बना रहे लद्दाख और लेह तक। लद्दाख और लेह के बाद कारगिल के नीचे एक झोजिला, एक बहुत काफी बड़ी टनल बना रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी। और मुझे खुशी है कि इस टनल में एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ कम हुए, उसकी बचत करने का काम हमारे विभाग ने किया है। उसके बाद झेड़मोर टनल है और वहां से श्रीनगर आने के बाद श्रीनगर और जम्मू के बीच में 18 टनल है, उसमें से 14 टनल पूरी हुई है और उसी कटरा के पहले दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे को लगकर हम दिल्ली आएंगे और दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे को लगकर हम सूरत तक आएंगे और सूरत से एक नया रोड बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से हैदराबाद, कर्नूल से विजयवाड़ा, कर्नूल से चेन्नई, कर्नूल से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और उसके साथ साथ कोचीन तक हम पूरे दक्षिण को जोड़ने वाले हैं। यानी एक प्रकार से मनाली से शुरू करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हाईवे होगा, जिसके कारण दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, टूरिज्म बढ़ेगा।
हैदराबाद से विशाखापट्टनम 221 किलोमीटर 7000 करोड़ का रोड हम बना रहे, जो तेलंगाना में 164 किलोमीटर है। इंदौर से हैदराबाद ये नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे ग्रीनफील्ड, वो 787 किलोमीटर है 18000 करोड़ का। और उसके साथ साथ हैदराबाद रायपुर ये 325 किलोमीटर 14000 करोड़ का है। मुझे खुशी है कि ये पूरे हाईवे करीब 1,00,000 करोड़ के है। इसकी लेंथ 843 किलोमीटर है और तेलंगाना में इसकी कॉस्ट 30000 करोड़ है। मुझे विश्वास है कि हाईवे नेटवर्क खड़ा होने से उद्योग व्यापार को बढ़त मिलेगी। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी जी के प्रसिद्ध वाक्य को दोहराते रहता हूं। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो यहाँ के माइनिंग इंडस्ट्री को, ट्रेड बिजनेस को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, और विशेष रूप से जो डेवलपमेंट की छोटी छोटी सेंटर्स है उनको जोड़कर हम निश्चित रूप से रोजगार का निर्माण करेंगे। इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, जवान लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, ये निश्चित रूप से यह सपना अमृत काल में पूरा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने यही हमें बताया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके प्रयासों से इस देश को निर्माण करना है। हमने सभी राज्यों के साथ न्याय करते हुए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डेवलप करने की कोशिश की है और उसी से देश के विकास में 4 चांद तो लगेंगे ही, पर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आज इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। मैं अपने विभाग की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे और 9 पैकेजेस है जो नागपुर से विजयवाड़ा तक जाने वाले हैं। इसी प्रकार से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन तेलंगाना में होगा और तेलंगाना का विकास में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा डिपार्टमेंट अच्छे रोड तेलंगाना के जनता को निश्चित रूप से बना कर देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर।